नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शाफिया अंजुम और वक्त हो चुका है रेडियो के अंदाज में दिन भर की खास खबरों का। तो शुरुआत करते हैं राजनीतिक गलियारों से। दिल्ली दरबार में अटके फैसले, शाह नड्डा से मुलाकात के बाद भी नहीं लौटे मुख्यमंत्री रावत। अगली खबर साइकिल सवार से जुड़ी। साइकिल से पहली बार कोई व्यक्ति सतोपंथ पहुँचा है। करीब 50 किलोमीटर के इस सफर को 5 दिन में पूरा कर सोमेश पंवार गुरुवार को बद्रीनाथ लौटे। अगली खबर है गुलदार के हमले में युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पृथ्वी चंद पुत्र यशवंत सिंह उम्र 28 साल के रूप में हुई है। अगली खबर है देहरादून से। दोपहर बाद देहरादून में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली निजात, बद्रीनाथ हाईवे सुचारू। अगली खबर है कांवड़ यात्रा से जुड़ी। हर साल सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा इस साल नहीं होगी। शहरी विकास विभाग ने यात्रा पर रोक संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। अगली खबर है टीके से जुड़ी। कोविशील्ड टीका खत्म, केंद्रों पर पथरा सन्नाटा, वैक्सीन खत्म होने पर भड़के लोग। अगली खबर है शहीद पुत्र से जुड़ी। देश सेवा की डगर पर रानीखेत का एक और लाल शहीद हो गया। ताड़ीखेत के सरना गांव निवासी जवान ब्रजेश रौतेला 2 साल पहले कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। बुधवार को चौकी पर गोला बारूद पहुंचाकर लौटने के दौरान उनका वाहन खाई में जा गिरा और वह शहीद हो गए। अंतिम खबर है भू कानून से जुड़ी। भू कानून की मांग तेज, राज्य में अनुच्छेद 371 लागू करने की मांग को लेकर उकरान ने किया प्रदर्शन। तो ये आपने सुनी रेडियो के अंदाज में आज की तमाम मुख्य खबरें। इसी तरह की अन्य दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ रोजाना रात 9 बजे DCP News पर।